गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी पोएम है वो है 11th क्लास की, और उस पोएम का नाम है द लेबनम टॉप। लेबनम टॉप ये एक वृक्ष का नाम है, लेबनम इज ए ट्री। ओके स्टूडेंट, और इनके जो राइटर है, जो पोएट है, जो कवि है, वो है टेड ह्यूजेस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और नेक्स्ट की एंड नाउ आई टेल अबाउट दिस पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस पोएम में है क्या चीज़? इस पोएम में एक लेबनम नाम का ट्री है, जो वृक्ष है, और उसकी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स है, वो कैसी है? येलो है। ओके, और वो बिल्कुल साइलेंट खड़ा है, बिल्कुल साइलेंट है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई भी हलचल नहीं हो रही है, और कोई भी ब्रांच नहीं हिल रही है, कोई भी लीव्स नहीं हिल रही है। ओके, और वो येलो कलर का है और बिल्कुल साइलेंट है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं है। और फिर जो उसकी सीड्स है, इट्स सीड्स फॉलन, और जो उसकी बीज है वो गिर जाते हैं, उसके जो बीज है स्टूडेंट्स वो गिर जाते हैं, और जो बीज होते हैं उस वृक्ष के, उस पेड़ के, वो पॉइजन होते हैं। ठीक है, जहरीले होते हैं। ओके, वो कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, और इसी कारण वो वृक्ष बिल्कुल साइलेंट रहता है। और फिर अचानक से एक पक्षी आकर उसकी ब्रांच पर बैठ जाता है। जो ट्री साइलेंट था, उसकी ब्रांच पर एक पक्षी आकर बैठ जाता है, और उस बर्ड का नाम होता है गोल्ड फ्लिन फिंच। ओके, उस पक्षी का क्या नाम होता है? उस पक्षी का नाम होता है स्टूडेंट गोल्ड फिंच। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि उस पक्षी का जो कलर होता है वो भी येलो होता है। उस पक्षी का कलर कैसा होता है? येलो होता है। और जब वह पक्षी आता है और उस पेड़ की टॉप, जो ब्रांच होती है, एंड ब्रांच होती है, उसके ऊपर जब वह पक्षी बैठता है तो हलचल होनी स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, अचानक से सडनली मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, हलचल होनी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद वह पक्षी एक लिजर्ड की तरह, स्लिक लिजर्ड की तरह, एक मासूम और एक कोमल लिजर्ड की तरह, लिजर्ड की तरह जो छिपकली होती है उसकी तरह, एक अलर्ट हो जाता है, और वह देखता है कि कोई खतरा तो नहीं है। ओके, फिर उसके बाद वो पक्षी क्या करता है, जो छोटा सा पक्षी होता है, वह अपने मतलब कि सी इंटर्स थिकनेस। ओके, वह उस जो वृक्ष होता है, और वृक्ष की बहुत सारी जो घना वृक्ष होता है और उस पर पत्तियाँ होती है चारों तरफ घनी, मतलब कि पत्तियों से, लीव से घिरा हुआ होता है अंदर की तरफ, और वो पक्षी चला जाता है। फिर उसके बाद उस पक्षी के जाने के बाद एक मशीन सी स्टार्ट हो जाती है, और चारों तरफ चिरपिंग की स्टार्ट हो जाती है, चिरपिंग, ठीक है, चिरप होनी स्टार्ट हो जाती है, चहचाने की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। और जब कवि देखता है, कवि क्या देखता है कि उसमें एक घोंसला है, और उस घोंसले में उस पक्षी के बच्चे हैं जो आवाज़ कर रहे हैं, और वो एक प्रकार से कैसी आवाज़ आ रही है उस पक्षियों की, उस पक्षी के बच्चों की जो आवाज़ आ रही है, लाइक ए मशीन, एक मशीन जब स्टार्ट होती है ऐसा साउंड क्रिएट करती है, तो उस टाइम पर उसके जो पक्षी के जो बच्चे हैं वो उस प्रकार का साउंड क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रकार का साउंड वे बना रहे हैं। ओके, दे मेक नॉइज, और वे शोर करना शुरू कर देते हैं।
अपनी माँ को देखकर, और उसकी माँ, उन बच्चों की माँ क्या लेकर आती है, उनके लिए खाना लेकर आती है। वह अपने बच्चों को फीड कराती है, खाना खिलाती है और स्टोक करके लेकर आती है, और इतनी खुशी होती है उन बच्चों में, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं अपनी माँ को देखकर। फिर उसके बाद अचानक से जो हलचल हुई थी उस वृक्ष में, जो पहले साइलेंट था, बिल्कुल साइलेंट था, उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, ओके, बिल्कुल साइलेंट था, क्वाइट था, और सितंबर का महीना था, और सूर्य की जो किरणें और जो धूप निकली हुई थी वो भी कैसी थी, येलो कलर की थी, बिल्कुल सुहावना मौसम था, ओके, और उस टाइम पर वो वृक्ष बिल्कुल साइलेंट मोड पर था, मतलब कि बिल्कुल साइलेंट था। फिर उस पक्षी के आने से उसमें हलचल स्टार्ट हो गई थी, ओके, रोमांच हो गया था उसमें, और उसमें कंप कंप भी स्टार्ट हो गई थी, ओके, और वो हिलने लगा था, जो शेक करने लगा था, ओके, द ट्री इज शेकिंग दे उस टाइम पर। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब पक्षी अपने बच्चों को खाना खिला देता है, खिला देती है, और उसके बाद वापस एज सून एज सी रिटर्न, जैसे ही वह वापस लौटती है, तो बच्चों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगती है, चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। फिर उसके बाद जो पक्षी है वो अपने बच्चों को एक आइडेंटिफिकेशन दिखाती है, एक मास्क दिखाती है, ओके, जो एक चिन्ह होता है, वो येलो कलर की पक्षी होती है और उस पर एक ब्लैक कलर का मास्क होता है, धब्बा होता है, और उससे वो बच्चे आइडेंटिफाई कर सकें कि यही उनकी माँ है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, जिससे वे सेफ रह सकें, सुरक्षित रह सकें, कि कोई और पक्षी वहाँ पर न आ जाए। और पक्षी का कलर भी येलो था और उस वृक्ष का भी कलर कैसा था, येलो था, जिससे वह बिल्कुल सेफ थे पक्षी, और उनके उस पक्षी के जो बच्चे थे वो भी बिल्कुल सेफ थे, ओके, और इसीलिए उन पक्षियों की माँ, उन बच्चों की माँ उन्हें एक मास्क दिखाती है अपने ऊपर, जो उसके ऊपर एक धब्बा होता है ब्लैक कलर का, ताकि वो बच्चे आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके अपनी माँ को, और अपनी माँ को देखकर ही वो चिरपिंग करें, मतलब कि चहचहाएं, साउंड क्रिएट करें, ओके, अदरवाइज कोई और पक्षी है आता है वहाँ पर तो वो ऐसी आवाज़ें न निकालें। तो कवि यही सब कहना चाहता है कि किस प्रकार से वो जो साइलेंट था वृक्ष उस टाइम पर, और अब कैसे उसमें अचानक से सडनली हलचल मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, और उसमें रोमांच आ जाता है, और किस प्रकार से वह एक प्रकार से जीवित की तरह हो जाता है, सजीव की तरह फील करने लगता है, एक जीवित हो जाता है, ओके, और उसके बाद जब वह पक्षी वापस जाता है और आसमान की तरफ जब वापस उड़ान भरता है, फिर वापस वो जो वृक्ष होता है वापस ही साइलेंट हो जाता है, और वापस बिल्कुल ऐसे सैडनेस हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि जो हलचल हुई थी उसमें वो अब हलचल नहीं हुई, ओके, वो ऐसे बिल्कुल साइलेंट ही वापस बन जाता है, साइलेंट ही वापस हो जाता है, उसमें फिर से वो हलचल होनी बंद हो गई थी, ओके। तो यही इस पोएम में स्टूडेंट, और ये इस पोएम के बारे में है कि किस प्रकार से एक लेबरनम ट्री जो होता है वो साइलेंट होता है, और पक्षी के आने पर कैसे मूवमेंट करने लगता है, रोमांच हो जाती है, ओके, रोमांच हो जाता है वह पक्षी, और फिर उसमें हलचल होती है, जो कुछ पहले वह साइलेंट था पक्षी के आने से पहले, और पक्षी के आने के बाद किस प्रकार से उसमें मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यही इस पोएम में है, और पक्षी बताता है कि पक्षियों के बीच में कितना अच्छा रिलेशन है, ओके, वो एक माँ और बेटों, जो पक्षी है, जो बच्चे हैं, उनके किस प्रकार से एक
अच्छा रिलेशन बता रहा है, अच्छा संबंध बता रहा है कि जो एक प्रकार से जो पक्षी है वो अपने बच्चों के लिए एक इंजन का काम कर रहा है। क्योंकि जैसे ही जिस प्रकार व्हीकल में जो साधन होते हैं उनमें इंजन नहीं होता तो वो किसी काम के नहीं होते हैं, इसी प्रकार से फैमिली में जो हेड होता है, जो उनकी माँ थी, जो उन बच्चों की माँ थी, वो उनके लिए एक प्रकार से इंजन का काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए खाना ला रही थी, उनकी सुरक्षा कर रही थी, ठीक है, और उनके लिए एक प्रकार से रक्षक थी वो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और वह उन बच्चों को, अपने बच्चों को सेफ जगह पर अपने बच्चों को उसने रखा था। तो ये इस पोएम में है स्टूडेंट, ये इस पोएम के बारे में है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने बताया है इस पोएम के बारे में आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ओके, तो अब इस पोएम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पोएम, अबाउट दिस पोएम। तो फर्स्ट स्टैंजा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बता देता हूँ। इन लाइन्स की जो लाइन है, द लेबरियम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्वीचिंग चिरप, ए सडनेस स्टार्ट लेमेंट एट ए ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट सी इंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड ट्रिल्स इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये जो इट यूज हुआ है, इट इज यूज फॉर बर्ड, पक्षी के लिए यूज हुआ है। कौन सा पक्षी? गोल्ड फिंच पक्षी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? गोल्ड फिंच के लिए ये इट यूज हुआ है। अब इस पोयम के बारे में स्टेंजा को रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टेंजा को रीड करेंगे और देखते हैं कि स्टेंजा में क्या है। कि द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। और स्टेंजा में ये बता रहा है कवि कि जो लेबनम वृक्ष है, जो पेड़ है, वो एक प्रकार से साइलेंट था, क्वाइट था, शांत था, ओके, और खामोश था अभी भी। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, और सेप्टेम्बर का महीना था और सूर्य की जो रोशनी थी वो एक प्रकार से आ रही थी। और इन द आफ्टरनून, और दोपहर में जैसे येलो धूप छाई रहती है येलो कलर की, उस प्रकार से सितंबर के महीने में सनलाइट आई हुई थी। ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और कुछ जो पत्तियां थी, ठीक है, जो पत्तियां थी स्टूडेंट वृक्ष की, और सभी उसके जो बीज थे वो एक प्रकार से गिर चुके थे। क्यों गिर गए थे? क्योंकि जो उसके जो बीज थे वो कैसे थे? पॉइजनस थे, ओके, जहरीले थे, और उसके जो बीज थे वो वृक्ष से गिर गए थे। और कवि कहना चाहता है कि वो बिल्कुल साइलेंट था, एक प्रकार से अभी भी वह साइलेंट ही वहाँ पर था, उसमें कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, ओके, वो बिल्कुल शांत था। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा था, द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फील इज येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, फर्स्ट स्टेंजा इसका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और जैसे ही जो गोल्ड फिंच नाम का पक्षी है, जिस समय या जब गोल्ड फिंच नाम का जो पक्षी आता है, उस समय उस वृक्ष की उस पेड़ में एक प्रकार से जान आ जाती है, और वह वृक्ष, वह पेड़, वह ट्री मूवमेंट करना शुरू कर देता है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचरिंग
और ट्विचिंग और चिरप, एसडनेस, स्टार्टमेंट, एटे ब्रांच एंड, और जब अचानक से जिस समय गोल्ड फिंच नाम का एक पक्षी आता है और ब्रांच के एंड पर जब वह बैठता है तो अचानक से एक हलचल होनी शुरू हो जाती है और चिरप करना शुरू कर देता है वह पक्षी, छोटा सा पक्षी जो येलो कलर का होता है, और वह आवाजें करना शुरू कर देता है, ओके? और चहचाने की जो आवाज़ आती है वो उस वृक्ष में जो पहले बिल्कुल साइलेंट था, अब उस प्रकार से एक प्रकार से उसमें जान आ गई थी, ठीक है? और जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी, वो हिलने लगी थी उस वृक्ष के आने से, पक्षी के आने से, ठीक है? उस बर्ड्स के आने से जो उस पेड़ की, वृक्ष की जो पत्तियां थी, जो लीव्स थी, वो मूवमेंट करने लगी थी, वो हिलने लगी थी। अब नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या होता है, डेंसली केज ए लिजार्ड, और एक कोमल की तरह, फिर कोमल की तरह, जैसे कि एक लिजार्ड होती है बिल्कुल कोमल मासूम सी होती है, और किस प्रकार से जब उसके पास कोई जाता है और वह अलर्ट हो जाती है और उस समय वह दौड़ जाती है, तो उसी प्रकार से वह जो पक्षी है, छोटा सा पक्षी है, वह अलर्ट हो जाता है अचानक से, सडन से अलर्ट हो जाता है, और एब्रप्ट मीन्स होती है अचानक से, और अचानक से वह क्या होता है, एक अलर्ट हो जाता है। अलर्ट मीन्स सावधान होना, एब्रप्ट मीन्स अचानक, अचानक से वह पक्षी सावधान हो जाता है। किस प्रकार, जिस प्रकार से लिजर्ड होती है, लिजर्ड मीन्स होती है छिपकली, छिपकली। स्लिक मीन्स कोमल, ओके स्टूडेंट? तो किस कवि बताना चाहता है कि किस प्रकार से जो छोटा सा पक्षी होता है वह लिजर्ड की तरह करने लगता है और अलर्ट हो जाता है, छिपकली की तरह अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है अचानक से। फिर सेंटर्स द थिकनेस, और वह जो घना चारों, मतलब कि घना पत्तियों का झुंड होता है, उसके अंदर वह प्रवेश कर जाती है वह पक्षी, छोटा सा जो पक्षी होता है, जो मदर होती है, जो माता होती है, ठीक है, फीमेल होती है, वह उस घने से पत्तियों के झुंड में चली जाती है, अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती है। फिर एंड ए मशीन स्टार्टअप, ए चिटरिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मीन्स होता है यहां पर फड़फड़ाना, ठीक है, जो पंख होते हैं वो फड़फड़ाते हैं, ओके? कि एंड मशीन स्टार्टअप, और जो मशीन की तरह, जैसे मशीन का साउंड होता है कि जैसे मशीन शुरू हो गई है, ओके? मशीन स्टार्ट हो गई है, कोई जैसे कारखाने में या कोई कंपनी में कोई अचानक से मशीन स्टार्ट हो जाती है, उसी प्रकार से जो साउंड क्रिएट होता है, उस प्रकार से उस पक्षी के जो बच्चे होते हैं, जो उसने वहाँ पर घोंसला बनाया हुआ है, उस घोंसले में से उन बच्चों की ऐसी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। फिर चिटरिंग्स मीन्स होती है, चिटरिंग मीन्स एक साउंड आना, एक आवाज़ आना, जो बच्चों की चहचाने की आवाज़ थी, ओके? चिरप कह सकते हैं एक प्रकार से। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और जो फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं उन पक्षियों के, ठीक है, वो किस प्रकार से फड़फड़ाने लगते हैं, पंखों को फैलाने लगते हैं, ओके? और पंखों के फैलाने की आवाज़ आती है, एंट्रीलिंग्स, और पंखों के फैलाने की आवाज़ आती है, किस प्रकार से कंपकंपी छा जाती है और चहचाने लगते हैं, जोर जोर से साउंड क्रिएट करने लगते हैं वो पक्षी के बच्चे। फिर द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, कि जो पूरा वृक्ष था, पूरा जो पेड़ था, वो किस प्रकार से कांपने लगा था और किस प्रकार से उसमें कंपकंपी होनी स्टार्ट हो गई थी, ओके? और किस प्रकार से वह रोमांच से भर गया था।
It is the engine of her family. It is the engine of her family. जिस प्रकार से व्हीकल साधन होता है, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, ओके, कार हो गई, और जिस प्रकार से कार मोटरसाइकिल में इंजन एक प्रकार से मेन पार्ट होता है और उसकी जो भूमिका होती है वो मेन भूमिका होती है, उसके बिना कार और इंजन, सॉरी, कार और जो बाइक्स होती है वो चल नहीं सकती, ओके, एक प्रकार से वो काम नहीं कर सकती विदाउट इंजन, ओके, जो भी व्हीकल्स होते हैं, जिस प्रकार से व्हीकल को इंजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो पक्षी है, जो गोल्ड फिंच पक्षी है, ओके, वह अपने परिवार के लिए क्या है, एक इंजन है। कवि ने बताया, कवि ने क्या बताया, कवि बताना चाहता है कि जो पक्षी है, गोल्ड फिंच जो पक्षी है, वह अपने परिवार के लिए एक प्रकार से क्या है, इंजन है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? हो गया। फिर ये इस पोएम के बारे में है स्टूडेंट, ये जो स्टेंजा बताया मैंने, ये जो लाइन्स बताई है, इसकी हिंदी जो बताई है, ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। अब इसके वर्ड मीनिंग्स भी किए हमने, ओके, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विंग्स मीन्स होती है फेदर्स, फेदर्स, फेदर्स मीन्स होते हैं पंख, ठीक है, फेदर्स मीन्स होते हैं पंख, पंख। चैटरिंग मीन्स होता है एक चिरप करना, ओके, चिरप करना, आवाज करना। होल ट्री, पूरा वृक्ष। ट्रेम्बल मीन्स होता है कांपना। कांपना। फिर अब ये यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है हर फैमिली तक। उसके बाद स्टूडेंट एक बार दोबारा से रीकैप देता हूँ इसका, और दोबारा से आप लोगों को इस पोएम के बारे में बताता हूँ, और इस स्टेंजा को दोबारा से हम रीकैप करते हैं, रीड करते हैं, ओके, दोबारा से हम इसे रीकैप देते हैं इस पर कि कवि कहना क्या चाहता है इस पोएम में, ओके। एंड द कवि, द पोएट वांट टू, द पोएट वांट, सॉरी, द पोएट वांट टू से इन दिस पोएम, द लेब्रम टॉप इज साइलेंट। सो लेब्रम, लेब्रम क्या है, लेब्रम इज ए ट्री, लेब्रम इज ए ट्री, लेब्रम इज ए ट्री, ओके। सो लेब्रम है स्टूडेंट, वो क्या है, एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और जो गोल्ड फिंच है, जो ये गोल्ड फिंच है, गोल्ड फिंच क्या है, एक बर्ड, एक बर्ड है, एक पक्षी है। इज दैट क्लियर? ये क्या है, एक पक्षी है। तो द लेब्रम टॉप इज साइलेंट, कि जो लेब्रम, जो पक्षी, सॉरी, जो वृक्ष है, और उसका जो टॉप है, ठीक है, जो टॉप है, ऊपर का जो तना है, ऊपर का जो है, ठीक है, कि जो वृक्ष है और ऊपर की जो सतह होती है उसकी, वो बिल्कुल साइलेंट है, और वो एक प्रकार से वृक्ष भी साइलेंट है, ठीक है, एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत और खामोश अभी भी है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर का महीना था, सितंबर का महीना था, और सूर्य की किरणें या सूर्य की रोशनी आ रही थी, सुहावना मौसम था, और दोपहर में, दोपहर का जो समय था, दोपहर में थी ये बात, और ये जो दोपहर थी, ये धूप जो निकली हुई थी, ये किस प्रकार से थे, एक येलो दिखाई दे रही थी, येलो, येलोपन दिखाई दे रहा था उसमें, ठीक है, पीलापन दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद ए फ्यू लीव्स यूलाई, और उस वृक्ष की जो पत्तियाँ थी, लीव्स थी, वो भी कैसी थी, वो भी पीली थी। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और सभी उसके, उस वृक्ष के जो सभी बीज थे वो नीचे गिर गए थे। क्यों गिर गए थे, क्योंकि उसके जो बीज थे वो कैसे थे, पॉइजनस थे, पॉइजन थे, ठीक है, उसमें पॉइजन भरा हुआ था, एक प्रकार से पॉइजनस थे, वो जहरीले थे। फिर नेक्स्ट, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और जिस प्रकार, और जब तक, और जब वह पक्षी आता है, गोल्ड फिंच आता है विद ए
ट्वीचिंग चिरप, और क्या होती है कि चहचाने की आवाज़, एक प्रकार से शोर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वह पक्षी सी मेक्स ए नॉइज, और शोर शुरू करना कर देती है वह पक्षी, ओके, शोर करती है वह पक्षी। फिर ए सडननेस, अचानक से, स्टार्टमेंट एट ए ब्रांच एंड, और उस शाखा के अंत पर जब वह बैठती है तो अचानक से एक प्रकार से वह हलचल होनी शुरू कर देती है उस वृक्ष में, उस पेड़ में एक प्रकार से क्या हलचल होनी शुरू हो जाती है अचानक से। देन फिर स्लिक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, फिर क्या होता है कि अचानक से जो पक्षी होता है, जो गोल्डफिंच पक्षी होता है, वो अचानक से क्या होता है, सावधान हो जाता है। और किस प्रकार, जिस प्रकार से लिजार्ड होती है छिपकली जिस प्रकार से सावधान हो जाती है, उसी प्रकार से क्या होता है, वह पक्षी भी लिजार्ड की तरह अलर्ट हो जाती है, सावधान हो जाती है। और एक प्रकार से स्लिक होता है, जिस प्रकार से जो छिपकली होती है कोमल होती है, उसी प्रकार से वह पक्षी भी कोमल होता है, ओके। सी इंटर्स द थिकनेस, सी इंटर्स द थिकनेस, और जब वह घने पत्तों में प्रवेश करती है, एंड ए मशीन स्टार्टअप, और एक प्रकार से ए मशीन एंड ए मशीन स्टार्टअप ऑफ ए चिटरिंग्स एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और चिरप, ठीक है, कि चहचाने की आवाज़ और पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ और चहचाने की, अचानक से जैसे कि मशीन शुरू हो जाती है, उसी प्रकार से उसके जो पक्षी, उसके जो बच्चे होते हैं, वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। और उनकी आवाज़ कवि को कैसी लग रही है, जैसे कि एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, उसी प्रकार से उनकी आवाज़ लग रही है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा वृक्ष क्या करता है, कांपने लगता है, कंपी शुरू हो जाती है, और एक प्रकार से रोमांच से वह वृक्ष भर जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और वह पक्षी, कवि कहता है कि वह पक्षी अपने परिवार के लिए एक प्रकार से इंजन की तरह है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लाइन इसकी कंप्लीट करते हैं, इस पोएम को, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन के साथ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है वो है, सी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स इट फुल, देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर फेस आइडेंटिटी मास्क, देन विद द एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और फ्लर्ट्स मीन्स तेजी से, टुवर्ड्स मीन्स तरफ, यहाँ पर इन्फिनिट मीन्स होता है आसमान, स्काई, एम्प्टी मीन्स खाली। एरे मीन्स होता है अद्भुत, डेलिकेट मीन्स नाजुक, विस्परिंग मीन्स होता है फुसफुसाना, शोइंग बेर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान, फेस मीन्स चेहरे की पहचान, फेस मीन्स चेहरा, शोइंग मीन्स दिखाना, फिर उसके बाद कवि क्या कहता है स्टूडेंट, कवि कहता है कि सी स्टॉक्स इट फुल,
कि सी स्टॉक्स इट फुल, वह अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करके लेकर आती है। अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आई थी? भोजन लेकर आई थी। देन फिर फ्लड्स आउट टू ब्रांच एंड, फिर क्या हुआ? ब्रांच से वह तेजी से ब्रांच के अंत की तरफ उड़ गई, चली गई। जैसे कि एज सून एज शी वॉज रिटर्न, ठीक है, जैसे ही वह वापस लौट गई उस ब्रांच की तरफ, ब्रांच के एंड की तरफ वह लौट गई, चली गई। शोइंग हर बेयर फेस आइडेंटिटी मास्क, और उसने क्या दिखाया अपने बच्चों को? उसने, उस चिड़िया ने, मतलब कि उस पक्षी ने अपने बच्चों को क्या दिखाया कि फेस की जो आइडेंटिटी मास्क होती है, फेस जो फेस पर, फेस की, चेहरे की जो पहचान थी, जो काला ब्लैक कलर का धब्बा था, ठीक है, वो उस पक्षी की पहचान थी, और उस पक्षी ने अपने बच्चों को वह पहचान दिखाई ताकि वह अपनी माँ को पहचान सके। ओके, अगर कोई पक्षी, कोई दूसरा पक्षी उस पेड़ पर आता है तो वो ऐसी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से ऐसी आवाज़ ना करे। ओके, पहले उस पक्षी को देखे, उसके बाद वह आवाज़ करे, अगर उनको लगे कि हाँ भाई उनकी माँ है, ठीक है। अगर उनको जो आइडेंटिटी, जो फेस आइडेंटिटी मास्क जो बताया था वो अगर होता है उस पक्षी पर, तो वो उसकी, वो उनकी माँ होगी। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्पिंग, फिर उसके बाद क्या होता है? एक नाजुक सी और एक अद्भुत, एक सीटी की तरह और एक चहचाने की और फुसफुसाने की, धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज़ वह पक्षी करती है। ओके, नेक्स्ट सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, और फिर क्या करती है? जैसे कि वो एक प्रकार से लॉन्च कर गई, ठीक है, जैसे साइंटिस्ट लॉन्च करते हैं किसी चीज़ को, उसी प्रकार से वो अपने बच्चों के पास जब आती है तो एक प्रकार से शोर की आवाज़ वह छोड़ गई, और सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, उसके बाद वह आसमान की तरफ उड़ान भर गई। उसके बाद क्या होता है? एंड द लेबनम सबसाइड टू इम्पिटी, फिर से वह जो पेड़ होता है, जो वृक्ष होता है, जो ट्री होता है, वो फिर से एक साइलेंट हो जाता है और फिर उसमें कोई हलचल नहीं होती है, वह पहले की तरह वापस बन जाता है। ओके, तो ये इस पोएम में थी। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को ये पोएम ज़रूर समझ में आई होगी। ओके, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, और इस पोएम को आप रीड कीजिए अच्छे से, इसके वर्ड मीनिंग को समझिए, इस पोएम को समझिए, ठीक है, और ये एक अच्छी पोएम है। ओके, अब दोबारा से इस पोएम का एक बार दोबारा से रिकैप दे देता हूँ, दोबारा से इस स्टेंजा को बता देता हूँ स्टूडेंट। इस स्टेंजा में जो पोएट है, वो कवि है, क्या बता रहा है? सी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स यहाँ पर बच्चों के लिए खाना है, फूड है, ठीक है, फूड मतलब कि वह अपने बच्चों के लिए फूड लेकर आई थी और अपने बच्चों को उन्होंने फीड खिलाया, ठीक है, फीड खिलाया मतलब कि अपने बच्चों को उस पक्षी ने खाना खिलाया। देन फ्लड आउट टू ए ब्रांच एंड, फिर उसके बाद तुरंत, ठीक है, वह ब्रांच एंड पर चली गई, उस शाखा के अंत पर चली गई। शोइंग हर बेयर फेस आइडेंटिटी मास्क, कब चली गई वह? अपने बच्चों को क्या दिखाकर? एक बेयर्ड, ठीक है, बेयर्ड आइडेंटिटी मास्क दिखाकर वह उस ब्रांच एंड, ब्रांच जो ब्रांच एंड थी उस पर चली गई थी। नेक्स्ट देन फिर विद द एरी डेलिकेट विसल चिर्प और विस्परिंग, उसके बाद फिर क्या होता है कि एक अद्भुत और नाजुक सी, ठीक है, और सीटी जैसे विसल बजती है उस प्रकार से सी चिरप करती है, चहचाती है और फुसफुसाती है, और बिल्कुल धीमी और अद्भुत आवाज़ के अंदर, ठीक है। सी लॉन्चेस अवे, और वह फिर टुवर्ड्स द इन्फिनिट, और वह आसमान की तरफ उड़ान भर जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? एंड द लेबनम सबसाइड्स टू इम्पिटी, उसके बाद वह पेड़ वापस ऐसा ही हो जाता है जो वह पहले था, वह पहले की तरह हो जाता है और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, कोई भी हलचल नहीं होती है, वह पहले की तरह साइलेंट और क्वाइट स्टिल बन जाता है, ठीक है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है
ओके स्टूडेंट, तो पहले की तरह स्टिल हो जाता है, मतलब कि क्वाइट हो जाता है। ओके तो ये इस पोएम में है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी ये पोएम। ओके और ये पोएम कंप्लीट होती है स्टूडेंट, इज़ दैट क्लियर? तो टेक केयर, बाय फॉर नाउ।